वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनपुर में। माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज आपको बताएंगे एक बैक फ्लावर डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और इस वीडियो को आज जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको डिजाइन अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। इसका लेंथ जो मैंने रखा 13.5 इंच, 3 इंच की चौड़ाई पर पहले गले की मार्किंग कर लेते हैं और नीचे की साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों साइड से मार्किंग कर ली। इसको बराबर लाइन से मिला लेते हैं। हम गले का लेंथ का साइज लेंगे तो गला मैं 10 इंच रख रही हूँ, यहाँ से मार्क कर लेंगे। अब इसको भी बराबर कर देते हैं। अब 1 इंच की गोलाई पर 1 इंच पे जो हम गोलाई कर देंगे गले की। ये देखिए, मैंने गले की गोलाई कर ली है। यहाँ से हम कट कर लेते हैं, जहाँ से मैंने मार्किंग की सेम उसी जगह से मैं कट कर रही हूँ। अब हम जो है ब्लाउज का कपड़ा लेंगे और उसका भी गला सेम ऐसे ही कट कर देते हैं। तो मैंने गला कट कर लिया है ब्लाउज का भी, इसको हम स्टिच करेंगे। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए पहले हम गले को स्टिच कर लेते हैं। तो मेरा गला देखिए स्टिच हो चुका है। इसमें हम कट्स लगा लेंगे, फिर इसे उलटकर सीधा करेंगे। पहले देखिए मैं कट्स लगा लेती हूँ, अब इसे हम उलटकर सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे एक सिलाई लगाकर गले को फिर से। ये देखिए गला स्टिच हो चुका है, तो आपको दिखा देते हैं अच्छे तरीके से। ये देख लीजिए, अब इसके हम ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर और कपड़े को बराबर करते हुए पहले हम पूरी स्टिचिंग इसकी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर ली है। अब हम आपको दिखाएंगे आगे का डिज़ाइन बना के। तो इसको एक साइड कर लेंगे, तो सामने की साइड से देख लीजिए। अब इसको एक साइड कर देते हैं। अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैं बकरम का यूज़ कर रही हूँ। मैंने देखिए बकरम को डबल फोल्ड किया, जो गले में अस्तर को मैंने कट किया था गले का, उसके बीच में से जो कपड़ा लिया था उसको लेके देखिए मैं साइज कर ले रही हूँ। तो मैंने मार्किंग ऑलरेडी कर ली है, अभी हम साइज करेंगे। तो मैं 2.2 इंच की जो है साइजिंग रखूँगी साइड में, देख लीजिए मैं आपको दिखा भी दी हूँ। अब 2.2 इंच पे जो है पूरा मार्क कर लेंगे। तो देखिए, मैंने पूरा मार्किंग कर ली है, यहीं से हम कट कर लेंगे। ये देख लीजिए गला कट चुका है। अब हम आगे के साइड के भी गले को कट कर देंगे। तो मैंने बकरम के बिल्कुल गले के हिसाब से बकरम को कट कर लिया है। मैंने कपड़ा लिया है, जो मेरा ब्लाउज का कपड़ा था वही कपड़ा है ये। हम इसे रख दिए हैं, बकरम को बिल्कुल बराबर में कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बकरम कट कर लिया है। अब हम कपड़े के साथ बकरम को जॉइंट करेंगे। तो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ फिट कर लीजिएगा, फिर नीचे के साइड से पहले स्टिच कीजिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ी अलग है। ये देखिए, मैं नीचे के साइड से इसको स्टिच कर ली हूँ। अब इसे हम उलट कर सीधा करेंगे। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे निकाल दीजिएगा और इसमें कुछ कट्स लगा दीजिएगा। जब उलट कर सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा, कहीं से भी कपड़ा मुड़ेगा नहीं, इसलिए देखिए मैं कट्स लगा देती हूँ। मैंने कट्स लगा लिया है, अब इसे हम उलट कर सीधा कर लेते हैं। अच्छे तरीके से बिल्कुल देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ऐसे ही बराबर कर लीजिएगा अस्तर और कपड़े को, कहीं से भी बकरम बाहर की साइड ना दिखे। देखिए, मैंने बराबर कर लिया है, अब इसे हम स्टिच करेंगे।
देख लीजिए किस तरीके से मैंने इसको फिट कर लिया है। अब अंदर का जो फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे गले में से। तो मैंने निकाल दिया, अब कट्स लगा लेंगे जिससे हम कपड़े को जब अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच करने लगेंगे तो आसानी होगी हमारे लिए। तो हम देखिए किस तरीके से मैं फोल्ड करके अंदर की साइड से स्टिच करूँगी, वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही आप भी कर लीजिएगा, अंदर के साइड हम फोल्ड करते जाएंगे और इसे स्टिच करते जाएंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आप भी कीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने पूरा कम्प्लीटली इसको स्टिच कर लिया है, ये देख लीजिए। अब देखिए मैं ये डिजाइन हूँ जो मैंने स्क्वायर साइज के दो कलर के कपड़े कट किए हैं, इनको मैं किस तरीके से डिजाइन कर रही हूँ वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। ये डबल कलर के कपड़े यूज कीजिएगा तभी ये डिजाइन बन पाएगी अच्छे तरीके से। ये देखिए एक मैंने कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है, दूसरा हम करेंगे इसी तरीके से। ये देख लीजिए मैंने दोनों डिजाइन को स्टिच कर लिया, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो उसे निकाल दीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं दोनों, देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब इसको एक साइड कर लेते हैं और आगे का डिजाइन बताते हैं आपको। देखिए मैंने ब्लाउज ले लिया है, अब हम डिजाइन लेंगे जो मैंने अभी बकरम पे बनाया था, इसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे, एक सिलाई लगा लेते हैं दोनों को एक साथ ज्वाइंट करते हुए। ये देख लीजिए मैंने गले के साथ इसको अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर लिया है, इसको एक साइड कर लिए हैं। हम डिजाइन बनाने के लिए देखिए मैंने पट्टी ली है चौड़ी सी, पट्टी की जो है साइज 2.5 इंच रखिएगा, इससे ज्यादा इसकी लंबाई ले लीजिएगा। देख लीजिए अब इसे हम स्टिच कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए मैंने कम्प्लीटली इसको स्टिच कर लिया है, अब इसे उलट कर सीधा कर लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने इसको कम उलट कर सीधा कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है। ये देख लीजिए सीधा हो चुका है, इसको हाथों की सहायता से थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा। मैंने देखिए डोरी लंबी बनाई है लेकिन इसकी चौड़ाई सिर्फ 2.5 इंच रखिएगा, थोड़ा सा इसमें स्टिचिंग में जाएगा। अब देखिए मैंने ब्लाउज का डिज़ाइन लिया है, अब इसके साइड में देखिए जब बकरम का था थोड़ा कपड़ा मैंने इसे अंदर के साइड फोल्ड करके डाल दिया है। अब मैंने जो डिज़ाइंस बनाए थे आपको दिखाए थे वो वाला डिज़ाइंस हम इसके साथ स्टिच करते जाएंगे कर देंगे। तो किस तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। और बकरम का जो कपड़ा था मैंने देखिए साइड में थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर के साइड डाला हुआ है, वो ज़रूर कर लीजिएगा। हम कम्प्लीटली स्टिच कर देंगे इसको। मैंने डिज़ाइन को देखिए स्टिच कर लिया है, अब हम जो भी डोरी वाला डिज़ाइन पट्टी का डिज़ाइन बनाए उसको ले लेंगे और इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। किस तरीके से किया जाएगा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये डबल फोल्ड करके किया जाएगा डिज़ाइन। देख लीजिए मैं किस तरीके से डिजाइन बना रही हूँ, ऐसे आप भी बना लीजिएगा। अब मेरी डिजाइन जो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा बाकी है, हम इसे स्टिच बना लेंगे। ये देखिए मैंने डिजाइन कंप्लीटली बना ली है, अब बस इसका डेकोरेशन बाकी है और पूरा कंप्लीट है, तो मनी लगा लेंगे। तो देख लीजिए मैंने गोल्डन कलर की मोती ली हुई है, अब इसको हम लगा लेते हैं। किस तरीके से मैं मोती लगाऊंगी आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे आप भी लगा लीजिएगा। और इसमें देखिए मैं बड़ी वाली गोल्डन मोती यूज कर रही हूँ, ऐसे आप भी बड़ी वाली यूज कीजिएगा।
देख लीजिए, मैंने दो मोती लगा लिए। एक मोती और आपको लगा के दिखा देते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरा मोती लगा लिया डिज़ाइन में। मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है। अगर आपको मेरी ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मेरे इंस्टाग्राम आई designpur22 को फॉलो कर लीजिए। अब मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर मेरे आईडी पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।